जब तक दूल्हा साथ है तो बाराती कैसे शोक मना सकते हैं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मोबाइल फोन्स हम सबों की ज़रूरत बन गया है। आज चाहे छोटा हो चाहे बड़े हो, लड़का हो या लड़की हो, माँ हो या पिताजी हो, हर कोई इस मोबाइल से भली भांति वाकिफ है और हमें इसका इस्तेमाल भी मालूम है। लेकिन क्या मोबाइल फ़ोन अपने आप से चल सकता है? वह हमारे द्वारा चलाया जाता है। ना जाने कितने ही ऐप्स इस मोबाइल फ़ोन में हैं, लेकिन वह अपने आप में हमें कुछ दिखा नहीं सकते, कुछ सिखा नहीं सकते, जब तक हम उसका प्रयोग ना करें और तब कहीं जाकर हम इसमें महारत हासिल करते हैं। कुछ इसी प्रकार का संदेश इस दुखभोग के समय में प्रभु आज के सुसमाचार द्वारा भी हमें देना चाहते हैं। आज के पवित्र सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यूहन के शिष्य प्रभु के पास आकर कहते हैं कि आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते, जबकि हम और फरीसी के शिष्य, फरीसी लोग उपवास और परहेज करते हैं। और यीशु का जवाब होता है, जब तक दूल्हा साथ है तब तक कैसे बाराती शोक मना सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु क्रिस्त को उपवास और परहेज से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि यहूदी लोगों की प्रथा थी कि वे शोक मनाएं, उपवास करें और अपने प्रस्ताव प्रकट करें। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त को परेशानी थी कि किस तरीके से इन्हें किया जाता था। केवल नाम के लिए, दिखावे के लिए, ढोंगियों की तरह इन सब चीज़ों को किया जाता था। इसलिए वह उस यूहन के शिष्यों से कहते हैं कि समय आएगा जब दूल्हा उनसे ले लिया जाएगा, तब वे रोएंगे और विलाप करेंगे, तब वे उपवास करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि जब भी हम इस दुखभोग काल में भाग ले रहे हैं, हर एक दुखभोग काल हमारे लिए ईश्वर के करीब जाने का एक समय है, और इस समय में अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के करीब ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने आप को अंदर से झांक कर देखना है। अगर हम राख बुधवार के दिन के पाठों को सुनेंगे, जो पहला पाठ नबी जोएल के ग्रंथ अध्याय 2:12 से हम लोग सुनते हैं कि प्रभु कहते हैं कि मेरे पास लौट आओ, अपने हृदय को फाड़ कर आओ, अपने वस्त्रों को फाड़ कर नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कार्य हम दुखभोग काल में या चालीसा काल में करेंगे, हमें दिल से करना है, दिखावे के लिए नहीं। अगर हम जो भी त्याग, तपस्या और जो भी दयादान के कार्य करते हैं दिखावे मात्र के लिए करते हैं, तो इससे कोई आशीष हमारे जीवन में नहीं आती। और यही प्रभु यीशु क्रिस्त भी शास्त्री और फरीसियों को समझाना चाहते थे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15:7 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु शास्त्री और फरीसियों से कहते हैं कि रे ढोंगियों, तुम मुख से तो मेरी पूजा करते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय मुझसे काफ़ी दूर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हमारा भी हाल ऐसा ही है? हर समय चालीसा काल आता है, हर समय चला जाता है, पर क्या हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है? आज हम जब उपवास की बात करते हैं, लिखित रूप से केवल 2 दिन माता कलीसिया हमें उपवास करने के लिए बुलाती है। बाकी दुखभोग के काल में हमें स्वतंत्रता दी गई है कि किस प्रकार से हम इस काल को एक अच्छा काल बना सकें, हमारे लिए अच्छा बना सकें, जो हमें ईश्वर का अनुभव दे सके। पर क्या हम सचमुच में अपने आप को समर्पित करते हैं? कई सारे लोग 40 दिनों तक उपवास करते हैं, परहेज करते हैं, किसी प्यारी चीज़ का त्याग करते हैं, लेकिन जैसे ही 40 दिन ख़त्म हो जाते हैं, फिर वही ज़िंदगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुखभोग काल का मकसद ये नहीं कि हम केवल 40 दिनों तक अपने ऊपर नियंत्रण रखें। ये जो नियंत्रण और ये जो अनुशासन हम हमारे जीवन में लाएंगे, ये बरकरार रहना चाहिए, आगे तक जाना चाहिए, ज़िंदगी भर हमारे साथ रहना चाहिए, जब हम कह सकेंगे हमने सचमुच में अपने जीवन में प्रभु का अनुभव किया। इसलिए आज का सुसमाचार संदेश हम सबों के लिए यही है, जो भी आज हम लोग निर्णय करते हैं इस दुखभोग काल में करने के लिए, उसे दिल से करें, ईश्वर की प्राप्ति के लिए करें, ईश्वर के साथ प्रेम से संबंध में जुड़ने के लिए करें। और जब हम ऐसा करते हैं, हमारा जो सेलिब्रेशन है या जो हमारा पास्का समारोह है, सचमुच में आनंदपूर्ण होगा,
तो यही आज प्रभु भी हमें संदेश देना चाहते हैं कि हम जो भी अपने जीवन में त्याग, तपस्या या दयादान के कार्य या प्रार्थना या ईश्वर का वचन पढ़ना या आध्यात्मिक कार्यों में भाग लेना, ये सब किसी को दिखाने के लिए ना करें, बल्कि अपने उद्धार के लिए, तो अपने आप में सुधार लाने के लिए और ईश्वर के करीब में जाने के लिए करें। आइए हम प्रभु से कृपा और शक्ति मांगे। आमीन।